క్షేమం కోసం పనిచేసే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మహమూద్ అలీ పిలుపునిచ్చారు. కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గం బోయినపల్లిలోని తెలంగాణ గార్డెన్లో ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం మైనార్టీల ఆత్మీయ సమావేశంలో మహమూద్ అలీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. రానున్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని చెప్పారు. వివిధ పార్టీలకు చెందిన పలువురు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. केसीआर साहब बड़े होशियार आदमी है, बहुत देखकर टिकट देते हैं कि कौन खिदमत कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. इसलिए मैं कंटोनमेंट के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर है, मैं उसकी तारीद के लिए मुझे सीएम साहब ने खुद कहा, महमूद भाई आप जाइए, ये मत समझिए बच्ची कम उम्र है, बच्ची कम उम्र है, तजुर्बेकार बच्ची है, ऑलरेडी 5 साल कारपेंटर का काम कर चुकी है और सायला की बेटी है. मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिसका खून अच्छा होता है, जिसकी नस्ल अच्छी होती है, जो हमेशा लोगों की खिदमत करते रहते हैं, बचपन से देख देख कर अपने बाप को देख कर ये भी आपकी उसी तरह खिदमत करेगी, यही देख कर सीएम साहब ने एक टिकट दिया है. उसी तरह डाइस पर बैठे हुए मेरे मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन है, यहाँ पर के कब्रिस्तान के लिए मैं खुद उनके साथ आया था. उन्होंने वहाँ गुसल देने के लिए जो बनवाने लगाया, वहाँ के इंतजाम के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से कब्रिस्तान की वक्फ बोर्ड के जरिए खिदमत की है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर